ये ना मैं आपको बता रही हूँ, वीडियो में भी उतना शूट नहीं हो पाया है जितना ये एक्चुअल में प्यारा लग रहा है। और मैंने बनाने से पहले बिल्कुल नहीं सोचा था कि मेरा आइडिया इतना काम करेगा, इतना प्यारा लगेगा ये। मैं बहुत बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी। मुझे पता है आपको लग रहा होगा कि जल्दी से मैं बताऊँ और आप भी इसे ट्राई करेंगे, तो चलो फिर बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं। हे एवरीवन, तो आपका आज फिर से स्वागत है हमारे चैनल डीआईवाई आशूस हैंडमेड आइडिया में। तो इसके लिए मैंने यूज़ किया है ये वेस्ट कार्डबोर्ड। मेरे पास आया था ये कीबोर्ड, तो उसका कार्डबोर्ड काफ़ी टाइम से पड़ा हुआ था, तो मैंने सोचा ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग भी है, इससे बनाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो सबसे पहले मैंने इसके अंदर से जितने भी मटेरियल थे वो सारे निकाल दिए। जो मैं शेप प्रॉपर बनाना चाहती थी वो शेप बनाने के लिए इसके जो एक्स्ट्रा कार्डबोर्ड है वो मुझे कट करने थे, और ऊपर से हैंग करने के लिए मैंने दो होल किए। ये मैंने स्टार्टिंग में ही कर लिया, बिकॉज बाद में सब कुछ कंप्लीट होने के बाद इसकी फिनिशिंग में थोड़ी सी दिक्कत आ जाती, इसीलिए मैंने सोचा पहले से ही कर लेते हैं। देन मेरे पास पड़ी हुई थी ये रस्सी, आप इसे डोरी कुछ भी बोल सकते हैं, काफ़ी टाइम से पड़ी हुई थी मेरे पास, तो मैंने सोचा इसी को यूज़ किया जाए। आप इसकी जगह कुछ और लेस वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने अच्छे से नॉट टाई करके दोनों साइड से इसे पहले ही अच्छे से सिक्योर कर लिया, ताकि बाद में कोई भी दिक्कत ना हो। आप चाहे तो इसके बैक साइड में हैंग करने के लिए भी कुछ लगा सकते हैं, बट मुझे लगा कि यार मैं हैंग करने के लिए लगाना पड़ेगा ना, तो पीछे से दो साइड से लगाना पड़ेगा। तो मुझे कहीं भी हैंग करना है तो मुझे दो होल करने पड़ेंगे वॉल पे, फिर लगाना पड़ेगा। ओ माय गॉड, इतनी सारी टेंशन, तो मुझे लगा यही सही है। देन मैंने इसके सारे ओपन एरिया थे ना उसको टिश्यू टेप से पैक किए। चाहे तो ट्रांसपेरेंट टेप भी यूज कर सकते थे, बट हम इसके ऊपर न्यूज़पेपर स्टिक करने वाले हैं तो वो ट्रांसपेरेंट टेप के ऊपर अच्छे से स्टिक नहीं होते, इसलिए मैंने टिश्यू टेप यूज किया। देन ऊपर से बनानी थी मुझे तीन विंडो, उसको मैंने ऑलरेडी मार्क कर लिया था। जैसा मैं कट कर रही हूँ आप वैसा सेम फॉलो करके इजीली कट कर सकते हैं। बस आपको ये याद रखना है कि आपको कट कार्डबोर्ड को करना है, अपने हाथों को नहीं। पता है आपको, इसे बनाने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, मीन्स काफ़ी टाइम से ये मार्क किया पड़ा हुआ था, बट मैं इतने कामों में उलझी हुई थी ना, मैं स्टार्ट ही नहीं कर पा रही थी। और फाइनली ये दिन आ गया जिस दिन मैंने स्टार्ट किया, मैंने सोच लिया ऐसे आज कंप्लीट करके रहना है। चलो बातों बातों में हमारे ये तीन विंडो भी बन गए। देन मैंने लिया एक वेस्ट डिस्पोजल, उसमें ग्लू और पानी को अच्छे से मिक्स करके घोल रेडी किया। और लास्ट वीडियो में हमने टिश्यू पेपर यूज़ किया था, बट कई लोगों के पास टिश्यू पेपर अवेलेबल नहीं होता है, इसलिए मैंने ये वेस्ट न्यूज़पेपर यूज़ किए इस वीडियो में। और मैं सीरियसली बता रही हूँ, ये ना टिश्यू पेपर से भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना। तो इससे न्यूज़पेपर के कपड़े पहनाते पहनाते मुझे शाम हो गई और मैं इसे ऊपर टेरेस पे रख के आ गई। जब मैं मॉर्निंग में उठी तो ये इतना प्यारा लग रहा था और इतना फिनिशिंग से लग रहा था ना, तो मैंने वहीं पे अपना पिटारा निकाला और चालू हो गई। आज तो बारिश भी नहीं हो रही है, धूप भी अच्छी खासी है, तो मैंने सोचा इसमें आज क्ले वर्क किया जाए। तो मैंने अपना निकाला क्ले, और सबसे पहले मैंने काफ़ी सारी लेयर्स एडवांस में बना दी, ताकि मुझे बाद में इसे कुछ भी बनाने के लिए रुकना ना पड़े। तो मैंने सोचा नहीं था कि मुझे क्या डिज़ाइन बनानी है, बस मुझे थोड़ा सा लग रहा था टेंपल लुक ऐसा हल्का सा आए तो अच्छा है। तो मुझे जहाँ जहाँ ठीक लग रहा था मैं क्ले ऐड करते जा रही थी, बिकॉज ये क्ले बहुत जल्दी ड्राई हो जाता है तो मुझे जल्दी करना पड़ रहा था। तो मेरे पास क्ले के काफ़ी सारे टूल्स थे, मैंने मीशो से ऑर्डर किए थे, उसका वीडियो भी मैंने अपलोड किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। तो वो भी मैंने सब कुछ इसमें ऐड करके कंप्लीट कर लिया और ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। देन मैंने फिर से एक वेस्ट डिस्पोजल उठाया, उसमें पीओपी और पानी का एक अच्छा सा घोल रेडी किया। और इस बार आपको इसको ज़्यादा लिक्विड नहीं करना है, बिकॉज हम इसे जो हमारा क्ले वर्क किया हुआ है ना उसे फिनिश करने के लिए भी यूज़ करें। क्ले के जो कॉर्नर है ना वो अलग से हाईलाइट हो रहे थे कि हमने इसमें क्ले वर्क किया है, तो उसे भी कवर करने के लिए मैं कॉर्नर पे पीओपी अच्छे से मैंने यूज़ कर लिया। और इसका जो भी एरिया था ना, बैक साइड भी, साइड से जितने भी थे, सबको फिनिश करने के लिए, जैसे हम लोग घर की पेंटिंग करने से पहले पीओपी यूज़ करते हैं ना, सेम वैसा ही मैंने यहाँ पे यूज़ किया। अगर मेरे जैसे आपका भी पीओपी बच जाए तो आप एक काम कीजिए, उसमें पानी डाल के उस पर रख दीजिए, वो कभी भी सूखेगा नहीं। ये ड्राई होने के बाद, ओ माय गॉड, आपको पता है अगर मैं इसे अभी भी कुछ ना करूँ ना, ये बहुत प्यारा लगेगा। बट क्या, दिवाली है तो थोड़ा कलरफुल बनता है, इसीलिए मैंने कलर किया, वरना सच में इसको कुछ नहीं करना था। चलो फिर मैंने निकाला अपना फेवरेट येलो कलर, बट मुझे येलो कलर नहीं चाहिए था, थोड़ा सा नियॉन कलर टाइप का रहता है ना वैसा कलर चाहिए था। तो मैंने इसमें हल्का सा ग्रीन कलर मिक्स करके इसका जो भी नीचे का पार्ट है ना वो सारा कलर कर दिया, और ऊपर के जो हमारा क्ले वर्क था ना उसमें मैंने व्हाइट कलर कर दिया। और ड्राई होने के लिए मैंने फिर से रख दिया मॉर्निंग में।
यार मैं क्या बताऊँ, ये इतना इतना प्यारा लगते जा रहा था ना जैसा जैसा मैं इसके ऊपर वर्क करते जा रही थी। फिर मुझे लगा थोड़ा सा गोल्डन पॉलिश देना चाहिए, तो इसके ऊपर के जो क्ले आर्ट था ना उस पर मैंने गोल्डन कलर किया। आप चाहे तो इसे स्पंज से भी कर सकते हैं, बट मैंने ब्रश यूज़ किया। ये सब करते करते मुझे हो गई इवनिंग। फिर से गई मैं नीचे और इसमें मैंने अपना फेवरेट काम करना स्टार्ट किया। पीच कलर की मार्कर से मैंने कहीं कहीं पर डिज़ाइन बना दी और मुझे जैसा समझ आ रहा था मिरर्स, स्टोन, पर्ल्स जो मुझे लग रहे थे मैं वो सब ऐड करते जा रही थी। देन इसे कलर मैच करके मैंने शुभ लाभ और गणपति जी और लक्ष्मी माता का प्रिंट आउट निकाला। इसे कट आउट करने के बाद मुझे थोड़ा सा इनकम्प्लीट लग रहा था, मुझे लगा थोड़ा सा शिमर शाइनिंग होना चाहिए, इसलिए मैंने सिल्वर कलर की ग्लिटर शीट यूज की, फोम शीट। ये सब कुछ अच्छे से स्टिक करने के बाद कभी भी वेडिंग होती है तो उसमें वेलकम में माला पहनाई जाती है, तो क्या था ना दीदी ने मेरे लिए काफी सारी इकट्ठा करके रख ली थी, तो मैंने सोचा आज इसका यूज किया जाए। तो मैंने इसे स्ट्रॉन्गली नहीं ऐसे ही टिश्यू टेप से स्टिक कर दी और ये हमारा बन के हो गया रेडी। कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, बट जो भी हो आपको कैसा लगा है, वीडियो में कैसा दिख रहा है मुझे नहीं पता, मुझे पर्सनली बहुत बहुत पसंद आया है ये। मैंने जैसा सोचा था, जैसा आइडिया लगाया था, ये उससे भी अच्छा बना है। इसके नीचे काफ़ी सारा स्पेस मैंने इसलिए छोड़ा था क्योंकि मुझे वहाँ पे ये जो कैंडल्स रहती है ना वो रखनी थी। पता है इसको देख कर ना मुझे वो वाला सॉन्ग याद आ रहा है। चलो फिर आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो में नए आइडिया के साथ। बाय बाय।